दिल्ली से शिमला, शिमला से वापस दिल्ली, दिल्ली से दौसा राजस्थान, प्रत्येक जगह की लोकेशन हम लोगों ने डिजिटली न केवल वेरीफाई की वरन उसको एस्टेब्लिश किया और फिर जो वीडियो प्राप्त हुए से उससे मैच किया। इस मैच करने के बाद हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत हो गए कि इनकी मौजूदगी यहाँ थी और इस बातचीत में ये लोग शामिल थे। मैं इसीलिए इस दिन का इंतजार कर रहा था कि हमें इस तरह के एविडेंसेस हमारे पास फोरेंसिकली आ जाएं। दूसरी वीडियो जो पीड़िता के द्वारा, उनके पक्ष के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, उसे भी स्वामी को दिखाई गई। उसमें वीडियो में जो उनके फ्रंट बैक साइड मसाज कराते हुए फोटोग्राफ्स वीडियो थे, उसके विषय में उनसे प्रश्नोत्तर किए गए। फाइनली स्वामी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये वीडियो में उनके खुद की फ़ोटो और वीडियोज़ हैं। उनके द्वारा जो बातें की गई हैं, कुछ अश्लील बातों का उसमें जिक्र था, उसको भी स्वामी ने मिलान कराया। तीसरा हम लोगों ने निकाला कि दोनों के बीच में कितनी कितनी बार कॉल हुई है, और आपको जैसे आश्चर्य होगा कि मिस ए और संजय के बीच में लगभग 4200 कॉल्स हैं पिछले एक साल में, 1 जनवरी से हम लोगों ने निकाला। इसी तरह से मिस ए और स्वामी चिन्मयानंद के बीच में लगभग 200 से ज़्यादा कॉल्स हैं आपस में। इस तरह से बहुत सारी चीज़ों से हमने वेरीफाई किया, हमने आउटगोइंग इनकमिंग कॉल से भी क्रोनोलॉजी बनाने की कोशिश की। तो ऐसे कई काम किए जिसके लिए हमें समय लगा, और जो वीडियोस फाइनली हमें मिरर इमेज मिली उसके आधार पर आज हम इस नतीजे पर पहुँचे कि हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य इस आधार में हो गए हैं कि हम उनको उन धाराओं में जेल भेज सकते हैं या मजिस्ट्रेट के सामने पुटअप कर सकते हैं। इसके बाद जो कुछ हमारे साक्ष्य संकलन की चीज़ें बची हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें, अभी जैसे स्वामी का कहना है कि उसने कुछ मोबाइल डेटा डिलीट कर दिया था, तो वो हमने अभी FSL को भेजा है कि मोबाइल का डेटा एक्सट्रैक्ट करें, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उस डेट का डेटा, उसकी कॉल्स एक्सट्रैक्ट करके हमें दें जिससे हम लिंकेज एस्टेब्लिश कर सकें। इसी तरह से जो लड़की का मोबाइल है, जो संजय का मोबाइल है जिससे एक्सट्रॉक्शन कॉल हुई है, व्हाट्सएप मैसेज भेजा गया है, उस मोबाइल की रिकवरी शेष है, और एक दो जगह के वीडियो फुटेज आना शेष है। कुछ होटल्स के लिए हमारी टीमें रवाना होती, वो भी कल वापस आई हैं, जिसमें हमें CCTV फुटेज मिले हैं दिल्ली के होटल्स के, दौसा के, जहाँ इनकी मौजूदगी एक साथ पाई गई। ये लोग रूम में एंट्री ले रहे हैं, चेक इन चेकआउट करते हुए भी वीडियो हमें मिल गए हैं, जिसकी हमने साक्ष्य के रूप में पुष्टि हम कर रहे हैं, और इसको भी एक बार FSL से टेम्परिंग या एडिटिंग ना होने का प्रमाण पत्र लेके हम इसको एविडेंस के रूप में दाखिल करेंगे। पीड़िता भी, उसके पिता की भी कोई संलिप्तता पाई गई किसी मामले में? अभी तक ऐसी कोई संलिप्तता इस क्राइम में नहीं पाई जा रही है जिसके आधार पे हम उन्हें शक के घेरे में लें। क्या पीड़िता की संलिप्तता पाई गई करके प्लीज पीड़िता की संलिप्तता पाई गई है क्या उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी? पीड़िता की प्रथम दृष्टया संलिप्तता पाई गई है, जैसा मैंने बताया कि कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं जो हमें लेने शेष हैं, जैसे संजय का मोबाइल, जैसे पीड़िता का मोबाइल, जैसे एक दो जगह की उसकी लोकेशंस, उसके आधार पर हम निश्चित रूप से अग्रिम कार्रवाई करें। सर, पूछताछ के दौरान जिस तरह से स्वामी जी से पूछताछ की गई, उसके आधार पर क्या पिछले कुछ मामलों का खुलासा हुआ? हमने अपनी जाँच केवल 400